तो ही गाइस, अब आ गई है बर्थ ऑफ जापान, वो भी डिज्नी चैनल पे। तो यार कैसे आ रही है और पूरा प्रूफ मैं देने वाला हूँ आपको इस वीडियो में, तो यार वीडियो को पूरी देखना और लास्ट तक देखना। हाँ तो भाई लोग आज मैंने फिर से सर्च करा था कि कौन सी मूवी आने वाली थी ड्यूल पे डिज्नी चैनल पे। तो यार देखो मुझे क्या दिखा वहाँ पे, वहाँ पे मुझे दिखा कि डोरेमोन बर्थ ऑफ जापान आ रही है सचमुच में। ओ भाई मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अरे भाई ये क्या हो गया, तो यार ये क्या है, फिर से हमें धोखा दे रहे हैं यार। मतलब मुझे लगता है ना ये लोग टीआरपी के लिए वेबसाइट वालों को मनाते कि तुम लोग ये मूवी दिखाओ, मतलब ताकि टीआरपी उनके चैनल पे जो लोग फिर आए उनको टीआरपी दे। क्योंकि यार अगर हम लोग एक बार डोरेमोन की मूवी देखना स्टार्ट कर लेते हैं तो हम लोग लास्ट तक, मुझे तो नहीं लगता कि मैं रुकता हूँ, क्योंकि मैं एक बार अगर जितनी भी पुरानी मूवी हो अगर मैंने उसको देखी है तो मैं दोबारा जरूर देख लेता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिज्नी और ये हंगामा वाले, मतलब जो वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन जितनी वेबसाइट्स और ऐप हैं, उनको मुझे लगता है कुछ प्रॉफिट देते होंगे, तभी यार ये लोग ऐसे चेंजेस करते हैं ताकि यार जो लोग इनकी वेबसाइट पर चेक करते हैं शेड्यूल, तो यार उनको थोड़ा सा प्रॉफिट मिले। तो यार आप लोग को क्या कहना है, मतलब यार कुछ भी यार, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। जमन देखिए करते हैं मोहब्बत, इनसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन मोहब्बत टू वे होती है सर, मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। नहीं, मतलब यार अगर हम लोग इनसे उम्मीद लगा के बैठे कि 2020 में डोरेमोन की कोई मूवी ऐसी आने वाली है, तो यार तुम लोग पहले धोखा दोगे फिर यार मूवी लाओगे, मतलब यार क्या, मतलब हम लोग ऐसे कैसे चलेगा भाई कैसे। तो यार मुझे भी पता है और आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि 2020 में डोरेमोन की कोई ना कोई मूवी तो आने वाली है, ये तो यार कंफर्म और गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। लेकिन यार उससे पहले अगर आप ऐसे करते हो तो आपके ना मुझे लगता है फैन बेस थोड़ा सा नीचे ना गिर जाए, क्योंकि गाइस ये जो चीज़ है जैसे कि वेबसाइट वाले दिखा देते कि बर्थ ऑफ जापान आ रही है या कभी डायनासोर आ रही हुई 2006 वाली, सर ऐसा बहुत बुरा लगता है। क्योंकि यार अगर आप लोग नहीं दिखा रहे हो तो यार सच्चाई दिखा दो कोई बात नहीं, जब मूवी आएगी हम आपकी मूवी को फुल टीआरपी और सब कुछ इतना बढ़ा देंगे। पर यार ऐसे स्टार्टिंग में मैं वेबसाइट वालों से भी मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे स्टार्टिंग में क्यों ऐसे धोखा देने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गाइस ऐसे तो यार फिर तो एक तरीके से यही होगा कि आप लोग फ्रॉड कर रहे हो और ये सब कर रहे हो, तो यार प्लीज़ ऐसा ना करें। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप नहीं जज्बाती ना। तो गाइज बस मैं यही चाहता हूँ, आप इस फ्रॉड को अगर आप लोग रोकना चाहते हैं, मतलब जो आप लोग चाहते हैं कि वेबसाइट आगे ना बढ़ पाए, तो यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे ताकि यार ज़्यादा लोगों के पास जाए, और जो भी लोग अगर वेबसाइट या फिर किसी ऐप से किसी डोरेमोन की चैनल का शेड्यूल चेक करते हैं तो वो लोग भी ये सब करना बंद कर दे। तो यार बस मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग इस चीज़ को ख़त्म जड़ से ख़त्म करना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो यार बस मैं यही कहना चाहता हूँ इस टॉपिक के बारे में, बस मेरी राय इतनी ही थी। और गाइस मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी मतलब सिर्फ और सिर्फ टीवी और डिज्नी चैनल से शेड्यूल चेक करा करो, क्योंकि गाइस जो ये वेबसाइट है ये आपको धोखा भी दे सकती हैं और बार बार धोखा दे रही है, एक बार तो धोखा मिल चुका है, तो यार मैं नहीं चाहता कि आगे भी ऐसे धोखे मिले हम लोग को। तो यार बस मैं यही कह सकता हूँ कि आप लोग ज़्यादा शेयर करो। तो यार अब मैं बात करूँ थोड़ी सी इतने हर चीज टॉपिक के बारे में, जैसे कि 2020 चल रहा है और इसमें बहुत बड़ा पेंडेमिक आया था, आप लोगों को पता है कोरोना वायरस, तो यार इससे तो हम सभी की तो वॉच लगी गई थी। लेकिन गाइज दुख की बात ये कि इसमें पोकेमोन की जो दो मूवीज दिखा दी, दो मूवीज पोकेमोन की दिखा दी, आप में से बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन डोरेमोन की एक भी मूवी नहीं, मूवी का एक भी एपिसोड भी हमें नया देखने को इस बार 2020 में बिल्कुल भी नहीं मिला। तो यार हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग चाहें तो यार ट्विटर पे ऐसा चीज ट्रेंड कर सकते हैं, लेकिन गाइस उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक टाइम, मतलब एक टाइम चाहिए कि इतने से इतने बजे तक हम लोग ये चीज़ ट्रेंड पे लाएंगे, तभी यार कुछ होगा, तभी तो कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग अगर चाहो तो अपनी ट्विटर आईडी बना सकते हो, मुझे पता है आप लोग अभी छोटे हो कोई बड़े हो और किसी की है तो बहुत अच्छी बात है, सर आप लोग चाहते हो ट्विटर आईडी बना सकते हो। तो यार अगर आपने बना लिया होगा सर, मैं एक दिन अपने कम्युनिटी टैब में मैं पोस्ट करूँगी कि कितने ट्विटर आईडी बना लिए, फिर आप लोग वहाँ पे सपोर्ट करो कि हाँ मैंने बना लिया, फिर हम लोग एक दिन ऐसा करेंगे कि हम लोग ट्विटर पे ट्रेंड चलाएंगे कि डोरी हैशटैग
डोरेमोन, तो मैं हैशटैग न्यू मूवी डोरेमोन चलाएंगे ताकि यार डोरेमोन की जो हमने जो अपील करी है तो यार वो डिज्नी इंडिया के पास जाए और डिज्नी इंडिया इस पर एक्शन ले और न्यू मूवी डबिंग स्टार्ट हो जाए। अगर अभी तक नहीं हुई है तो हो जाए, अगर हो रही है तो अच्छी बात है, और अगर हो रही है तो हमें जल्दी देखने को मिल जाए, अगर नहीं हो रही तो डबिंग स्टार्ट करके हमें जल्दी देखने को मिल जाए। तो यार आज के लिए बस इतना ही, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेशनल लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और आज का लाइक मैं रखता हूँ सिर्फ 100 लाइक का, तो 100 लाइक तो आज प्लीज़ कंप्लीट कर देना आप लोग, और हाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना गाइस, क्योंकि यार आप शेयर करोगे तो मुझे भी अच्छा सा सपोर्ट मिलेगा और आपको भी खुशी होगी। तो यार बाय गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यार बाय बाय गाइस, जय हिंद जय भारत। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। नहीं नहीं जज्बाती ना।